था। आप देखना अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2,54,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी। तीन तारीख को यानी 3 जनवरी को लगभग 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1,000 की राशि आएगी। नोट करते रहिए, मैं बता रहा हूं। 5 जनवरी को 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि पेंशन की उनके खाते में उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहने, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है। आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी होगी, सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई, एम्स रायबरेली को 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको का संचालन भी आगे बढ़ा दिया है। आज कोई समस्या नहीं, समस्या तो देश के लिए कांग्रेस बन गई है, समस्या तो देश के प्रदेश के लिए सपा और बसपा बनी हुई है। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है और किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा, यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता है। सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही मत प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां दंगा भड़काने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इनके भड़कावे भड़काने का किसी भी साजिश के उसमें ना आकर के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है।